नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ हुई त्रासदी पर विवेक अग्निहोत्री के द्वारा बनाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स बड़ी बहस और गर्म विषय का मुद्दा बनी हुई है। इस बीच मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी नियाज खान ने होली के दिन 18 मार्च को ट्वीट करके सियासी और प्रशासनिक महकमों और सनसनी पैदा कर दी है। वहीं उनके ट्वीट पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नियाज खान सीमाएं लांघ रही है। जिस पद पर वे है उसकी अपनी आचार संहिता है। वे फिरका परस्ती और अराजकता फैलाकर लाइमलाइट में आना चाहते हैं। आईएएस नियाज खान के ट्वीट पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। सारंग ने कहा है कि नियाज खान सीमाएं लांघ रही है। जिस पद पर वे है उसकी अपनी आचार संहिता है। वे फिरका परस्ती और अराजकता फैलाकर लाइमलाइट में आना चाहते हैं। ये उनके सर्विस रूल्स के खिलाफ है। मैं आज ही कार्मिक विभाग को पत्र लिख रहा हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, नियाज खान अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। आप यदि प्रशासन में किसी पद पर बैठे हुए हैं तो आपकी एक आचार संहिता है और नियाज खान केवल और केवल फिरका परस्ती फैलाकर अराजकता फैलाकर अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं और ये जो सर्विस रूल है उसके भी खिलाफ है। उनका जो बिहेवियर है वो निश्चित रूप से बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं आज पत्र लिख रहा हूं और निश्चित रूप से कार्मिक विभाग को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासकीय पद पर बैठकर कोई व्यक्ति इस तरह की अराजकता फैलाए ये परमिसेबल नहीं है। इसकी कहीं भी परमिशन नहीं मिलेगी, इसकी कहीं भी इजाज़त नहीं है। ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, परंतु वो केवल मुसलमान के संरक्षण की बात कर रहे हैं। ये इस बात को इंगित करता है कि वो फिरका परस्ती की बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं मैं खान हूँ इसलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, खान है इसलिए इल्ज़ाम नहीं लगाए जा रहे, उनकी सोच ओछी है इसलिए उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और उन्होंने जो बातें की हैं वो केवल और केवल फिरका परस्ती फैलाने की हैं। कश्मीर फाइल्स, कश्मीरी ब्राह्मण के खिलाफ जो अराजकता का माहौल था उसको प्रदर्शित करने वाली एक सशक्त मूवी है, एक सशक्त फिल्म है। और मैंने पहले भी कहा था, विवेक अग्निहोत्री जी, अनुपम खेर जी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने सच को सामने उजागर किया है और इस तरह के प्रशासकीय अधिकारी को सही मायने में पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मैं कार्मिक विभाग को पत्र लिख रहा हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सर्विस रूल्स का जो उन्होंने उल्लंघन किया है ये निश्चित रूप से बहुत आपत्तिजनक है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर एमपी के आईएएस नियाज खान का ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान कीड़े नहीं है, उनकी हत्याओं पर भी फिल्म बने। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।